गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया के भांडेर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र का अवलोकन करते हुए कहा कि भाजपा जो संकल्प करती है वह पूरा करती है, चाहे वह राज्य का हो या केंद्र का हो। इस दौरान कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भांडेर विधानसभा के बीकर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती आई है। भाजपा ने अपना संकल्प पूरा किया। केंद्र में हमने कहा था कि 370 धारा हटेगी, वो हटाई गई। कश्मीर मसला हल किया गया। उन्होंने कहा हमने राम मंदिर की बात की थी, वो पूरी की गई। भाजपा ने सीए लाने की भी बात कही थी, वो भी लाया गया। वहीं प्रदेश में किसानों के हित में कार्य किए गए। किसानों को 4000 रुपए देने की बात कही गई थी, वो हमने पूरी की। उन्होंने कहा भाजपा ने जो भी संकल्प लिया है उसको पूरा किया है। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ली, जिनका शॉल देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी रक्षा संतराम सिरोनिया मौजूद रही। आज संकल्प श्रीमती रक्षा चरोनिया और जिला सभी कार्यकर्ता ने, भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है वो पूरा करती है, चाहे वो राज्य का हो चाहे केंद्र का। हमारे संकल्प पत्र में जो बातें होती हैं हम पूरी करते हैं। हमारे संकल्प पत्र था कि हम 370 हटाएंगे। यहाँ हुए बलिदान कर दी वो कश्मीर, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा संकल्प पूरा हुआ। हमने ट्रिपल तलाक का संकल्प लिया, पूरा हुआ। हमने कहा था सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे, पूरा। सीएए का संकल्प था, पूरा हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर हमने कहा था कि 4000 रुपये और डालेंगे किसान कल्याण के, जो 6000 थे 10000 हुए, संकल्प लिया पूरा किया। 1 रुपया किलो गेहूँ चावल नमक कहा था पूरा किया। ये भी संकल्प जो आज भांडेर का जारी किया, ये संकल्प हमारे लिए धर्म ग्रंथ जैसा है। जो भी संकल्प लिया है भांडेर का हम उसको एक एक पूरा कर। बोले 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। हम छोटे किसानों ने किस्त जमा करना बंद कर दिया, विश्वास था। बोला है तो करेंगे। ऋण माफी का प्रमाण पत्र भी दिया, 10 दिन नहीं तो 10 महीने में तो हो ही जाएगा। पर हुआ कुछ नहीं, बैंकों ने डिफॉल्टर कर दिया, दंड ब्याज लगाया। पैसा जमा करो, कहीं से भी लाओ, साहूकार ने 3% मांगा। नहीं भरा तो कुड़की होगी। बाप दादा की जमीन लग गई दाव पे, पकड़ी उछल गई गांव में। इतना बड़ा धोखा, लाखों किसानों की बलि चढ़ा दी अपने लालच में। किसान को कर्जा माफी से ठग लिए, जे पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। गरीबी किसी मां के स्वास्थ्य पर बोझ ना बने, इसलिए सरकार प्रसूति से पहले मां को पौष्टिक भोजन के लिए 4000 रुपए देती थी। बच्चे के जन्म के बाद मां को कमाने की मजबूरी ना रहे, मां बच्चा स्वस्थ रहे, इसलिए मिलते थे 12000, ताकि मां को पूरा आराम मिल सके और बच्चे को पूरा पोषण। फिर 15 महीने इन लोगों ने सब बंद कर दिया, चचा और बच्चा दोनों को भूल गए। मां के तो पेट पर ही लात मार दी। मां से चापे के लड्डू ही छीन लिए। ये पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। सालों से हमारी बेटियां जन्म से ही लखपति बन जाती थी, लाडली आती थी, लक्ष्मी लाती थी। 15 महीनों में लाडली से लक्ष्मी ही छीन ली, बेटी को फिर बोझ बना दिया। वो कैसी सोच थी जिसने गरीब को बेसहारा छोड़ दिया, गरीब की बेटी को पालने में ही छल लिया। पाप किया है तुमने, जवाब तो देना ही पड़ेगा।
इस बात का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। जब कोई सहारा देने का ढोंग करे और वक्त आने पर अंगूठा दिखा दे, आस टूट सी जाती है, जीवन रुक सा जाता है। बेरोजगारी भत्ते के झांसे ने तो बच्चों को काम ढूंढने लायक भी नहीं छोड़ा। वो कैसी सोच थी जिसने बेरोजगारों की उम्मीदें तक छीन ली। बेरोजगार को भत्ते का लालच देकर छल लिया, पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस बात का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।